Good morning, students. Now today we will study about subsets. In the previous class we have studied about the types of sets. तो अब हम subsets के बारे में जानेंगे. Suppose that हमारे पास दो sets हैं, A और B. तो A को हम B का subset कहेंगे अगर क्या हो, A के जितने भी मेंबर्स हैं वो B के अंदर प्रेजेंट हो. अगर A के सारे मेंबर्स B के अंदर प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B. और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से. A इज सबसेट ऑफ B इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. दिस मीन्स सबसेट ऑफ. ओके, सो डेफिनेशन जो होगी इसकी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन B. यहां पर जैसे कि हमने एक सेट ले लिया एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3 एंड वी हैव अनदर सेट B. B में है हमारे पास 1, 2, 3, 4. क्या दिख रहा है यहां पे, A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और ये एलिमेंट्स B के अंदर भी प्रेजेंट हैं. B ऑल्सो कंटेन्स दीज एलिमेंट्स 1, 2, 3 और इसके अलावा भी इसके पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन उससे मैं मतलब नहीं है. हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है. और यहाँ पर ऐसा है कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर A इज सबसेट ऑफ B. हियर A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज हियर द कंडीशन ऑफ सबसेट इज सेटिस्फाइड फॉर द सेट्स A एंड B. सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B. बट क्या B A का सबसेट है, नहीं, क्योंकि 4 B के अंदर प्रेजेंट है लेकिन 4 A के अंदर प्रेजेंट नहीं है. बट B इज नॉट द सबसेट ऑफ A. तो जहाँ पे आपको दिखाना हो कि सबसेट नहीं है तो वहाँ पे हम इस सिंबल को बीच से कट कर देते हैं. ठीक है, इसका मतलब हुआ सबसेट ऑफ और इसका मतलब हुआ नॉट सबसेट ऑफ. तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. तो अगर इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें तो इसका मतलब है कि A इज सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज, ये भी एक सिंबल है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इट मीन्स इम्प्लाइज, सॉरी, A इज सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B. अगर A B का सबसेट है तो अगर A स्मॉल a मतलब एलिमेंट ऑफ A जितने भी होंगे वो B के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए. अगर A आपका सेट A के अंदर प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट A B के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा सेट A जो है वो B का सबसेट है. और ये होना चाहिए फॉर एवरी A इन सेट A. ये भी एक सिंबल है मैथ्स का जिसको फॉर ऑल बोलते हैं या फॉर एवरी बोलते हैं. ये 12th में भी काफ़ी यूज होता है. ठीक है, तो इफ फॉर ऑल A इन A, A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B, देन वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ B. हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन.
इंटीजर्स माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू एंड सो ऑन। इसके बाद हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, q इज़ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, इसमें आप इसको लिखते थे x सच दैट x इज़ इक्वल टू p बाई क्यू वेर p q आर इंटीजर्स, देन रैशनल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स x, x सच दैट x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें कौन सा सेट किसका सबसेट है इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है 1, 2, 3, 4 इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हम देख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में भी है। ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट n इज प्रेजेंट इन दिस सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो बाई डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स n क्या हो जाएगा, n इज सबसेट ऑफ z। फिर इंटीजर्स जितने भी हैं वो यहाँ भी प्रेजेंट होंगे आपके, अगर यहाँ पे q की वैल्यू हम 1 रख लें और p की वैल्यू हम 1/1 जितने भी इंटीजर्स हैं 1 लेके यहाँ इस सेट ऑफ इंटीजर्स से यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, सारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो यहाँ पे हमें इस सेट के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 लें और p इज इक्वल टू 1 लें तो 1 मिल जाएगा, अगर q इज इक्वल टू 2 लें q इज इक्वल टू 1 लें और p इज इक्वल टू 2 लें तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, अगेन टेकिंग q इज इक्वल टू 1 p इज इक्वल टू 3 क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएगा अगर हम q को 1 रख लें और p को 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रखते जाएं। इसी तरीके से q 1 रहे और फिर -1, -2, -3 रखते जाएंगे तो x की वैल्यू -1, -2, -3 करके हमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे इसमें। और अगर q आपका 1 रहे और p की वैल्यू हम 0 कर दें, ठीक है, q की वैल्यू 1 हो या कुछ भी हो और p 0 कर दें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि q के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सभी इंटीजर्स प्रेजेंट हैं। तो z इज सबसेट ऑफ q और जितने भी यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं, हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सब के सब कहाँ प्रेजेंट हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम कहेंगे q इज सबसेट ऑफ r। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि रियल नंबर्स के सबसेट्स कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर के अंदर हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी होता है, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होता है और सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। क्लियर, सो दीज आर दी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक और आपका सबसेट इसमें छूट जा रहा है जो कि इस सीक्वेंस में नहीं आता है, t इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब इसका मतलब क्या हुआ कि t जो है सेट है हमारा वो उन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ऐसे x से बना हुआ है जो कि x जहाँ पर x रियल नंबर है लेकिन x जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर x रियल नंबर है और रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, वो इरैशनल नंबर है। तो ये जो सेट है क्या है, ये इरैशनल रियल नंबर्स का है। इरैशनल नंबर्स हम जानते हैं जैसे √2, π, √3 दीज आर इरैशनल नंबर्स, ये इरैशनल है लेकिन ये रियल है। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे। तो ये जो सेट है हमारा टी, T इज सबसेट ऑफ R, तो T भी जो है सबसेट है R का, लेकिन T जो है वो Q को कंटेन नहीं करता और ना ही Q जो है T के अंदर कंटेन है। तो ना तो T सबसेट है Q का, क्योंकि अगर T इरेशनल है तो रैशनल नहीं हो सकता, इसके एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है तो T इज नॉट द सबसेट ऑफ Q, और Q अगर आपका रैशनल है
तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, मतलब इसके एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. सो क्यू इज नॉट द सबसेट ऑफ टी. और इंटीजर्स, इंटीजर्स जो है वो भी सेट टी के अंदर नहीं होते. ठीक है, एक्स यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर है और इंटीजर्स इरेशनल नंबर नहीं होते, तो इसका मतलब जेड के एलिमेंट्स भी टी के अंदर नहीं है. तो जेड भी आपका क्या है, टी का सबसेट नहीं है. और सिंपली इसको हम देख सकते हैं क्योंकि क्यू जेड के, जेड को कंटेन करता है और क्यू जो है वो सबसेट नहीं है टी का. ठीक है, तो जेड भी आपका यहाँ पे क्या होगा, ये भी सबसेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स आपके अंदर, आपका टी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे. सो जेड इज नॉट द सबसेट ऑफ टी. सिमिलरली नेचुरल नंबर्स भी आपके अंदर इसके इरेशनल नंबर के सेट के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए आपका एन भी क्या होगा, वो सबसेट नहीं होगा टी का. ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए. एन इज सबसेट ऑफ जेड, जेड इज सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सबसेट ऑफ आर. बट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑनली द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, इसके अलावा और किसी का ये सबसेट नहीं होता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर. तो इंटरवल क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं. सपोज वी हैव टू रियल नंबर्स ए एंड बी, एंड हियर ए इज लेस देन बी. सो ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज लेस देन बी. और हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें क्या है x, वो सभी x होंगे जो कि क्या है a और b के बीच में लाई करते हैं. a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, एंड ऑल्सो x इज रियल नंबर, x भी रियल नंबर ही है. तो ये जो हमारा सेट है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सेट है. ये ए और बी के बीच में जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं सबको इंक्लूड करता है. रियल नंबर लाइन हमने पढ़ी हुई है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. सपोज दैट यहाँ पर कहीं रियल नंबर ए है और यहाँ पर बी है, इस सेट में क्या है x ग्रेटर देन a है, इक्वल टू a नहीं हो सकता, और x लेस देन b है तो इक्वल टू b भी नहीं हो सकता. लेकिन a और b के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे. तो इंटरवल हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पे एंड होगा उसके बीच के सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उस सेट को हम इंटरवल बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्योंकि a और b इंक्लूड नहीं है, इसको डिनोट करने के लिए रियल नंबर लाइन पे हम ओपन सर्कल लेते हैं. यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और ये बीच से क्या होता है, ओपन रहता है. और क्योंकि ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है इसलिए इसको ओपन रखा गया है, लेकिन इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट हैं. तो इसको डिनोट करने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं लाइन को. डार्क इसलिए किया गया क्योंकि ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं रियल नंबर लाइन पे वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारा पहला केस था जो हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, क्योंकि इसमें ए और बी प्रेजेंट नहीं है, इसको और यहाँ पे जो सर्कल है वो ओपन है, इससे बनने वाले इंटरवल को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से और इसको रीड करते हैं ओपन इंटरवल ए बी.
ये आपके स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं अगर आपका क्या है, इंटरवल ओपन है, मतलब ए और बी अगर आपका उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओपन इंटरवल, ए बी। सेकेंड जो हम इसमें रीड करेंगे वो होगा क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस आएगा, लगभग सिमिलर ही है। इस केस में जो हमारा सेट होगा ए, क्लोज इंटरवल को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और इसके बाद अंदर जो लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी को इंक्लूड करना है हमको, तो एक्स लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि ए और बी भी प्रेजेंट रहेंगे इसमें, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा इनइक्वालिटी के साथ में। एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों इंटरवल्स सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इस इंटरवल में आपके पास क्या है, ए और बी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में ए और बी भी प्रेजेंट है, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए भी हो सकता है और एक्स इक्वल टू बी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जब इसको डिनोट करेंगे हम, तो इस बार सर्कल जो बनेगा वो ओपन नहीं होगा, इसको हम डार्क कर देंगे अंदर से, क्योंकि ए और बी भी प्रेजेंट है और बीच के सारे एलिमेंट्स तो है ही है, एक्स ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू लेगा, सो ऑल द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। सो इसको हम क्या रीड करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारा क्या था, ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा क्या है, थर्ड टाइप ऑफ जो इंटरवल हम पढ़ते हैं, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, जो आधा क्लोज्ड हो और आधा ओपन हो, तो एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से क्लोज्ड होगा, अब इधर से भी ओपन हो सकता है या इधर से भी ओपन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये लिखा गया है, तो इसमें क्या है दिख रहा है, राइट साइड से स्क्वायर ब्रैकेट लगा है और लेफ्ट साइड से स्मॉल ब्रैकेट लगा है, तो इट मींस इट इज क्लोज फ्रॉम राइट एंड ओपन फ्रॉम लेफ्ट, सो इट इज सेमी क्लोज्ड। अब इसके अंदर कैसे एक्स आएंगे, वो सभी एक्स आएंगे जो कि क्योंकि लेफ्ट साइड पे ओपन है, इसका मतलब ए इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट साइड में क्लोज्ड है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है, सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, और एक्स क्या है, रियल नंबर है। तो ये क्या हुआ हमारा, सेमी क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड फ्रॉम राइट एंड ओपन फ्रॉम लेफ्ट। इसको अगर आप रियल नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये इसी तरीके से ओपन है, यहाँ पे ए पर पॉइंट ए पर ओपन है, उसके बाद ए से लेके बी तक जितनी भी वैल्यूज हैं सबको इंक्लूड कर रहा है, बी को भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये आपका क्लोज रहेगा। तो ये हो गया आपका सेमी क्लोज इंटरवल, क्लोज फ्रॉम राइट। नेक्स्ट, ये इंटरवल लेफ्ट से भी क्लोज हो सकता है, तो लेफ्ट से क्लोज होगा और राइट से ओपन हो गया तब भी ये सेमी क्लोज होगा, लेकिन तब क्या उसको बोलेंगे, सेमी क्लोज, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट।
x such that x is greater than equal to a, less than b, and x belongs to R. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. अब क्योंकि ये राइट साइड पे क्लोज्ड है तो यहाँ पर ये सर्कल क्लोज रहेगा, पॉइंट बी पे ओपन रहेगा और बीच के सारे एलिमेंट्स सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे. तो इस तरीके से हम सेमी क्लोज इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं. एग्जांपल्स यहाँ पे आप कुछ देख लीजिए इसके ऊपर, जैसे कि ये लिखा गया है 1, 2 और इसको रिप्रेजेंट करना है हमें रियल नंबर लाइन पे. तो सिंपल है, कहीं पर रियल नंबर लाइन पे 1 होगा और कहीं पर 2 होगा. सपोज दैट इस पॉइंट पे 2 है तो क्योंकि ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या है स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों साइड से, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ओपन है और ओपन है तो हम क्या लगाएंगे, ओपन सर्कल्स यहाँ पे लगाएंगे. ठीक, इसका मतलब बाय डेफिनेशन जो हमने अभी लिखा था क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1. तो x 1 और 2 के बीच के सभी एलिमेंट्स को लेगा लेकिन 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेगा. ठीक है, क्लोज अगर ये लिखा होगा क्लोज इंटरवल 1, 2 तब क्या लिखेंगे इसको, तब लिखा जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू R. इस केस में ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस केस में 1 और 2 भी हैं, x इक्वल टू 1 है x इक्वल टू 2 है तो मतलब x 1 और 2 की वैल्यू भी इसमें कंसीडर करेगा और इसलिए आपके सर्कल्स यहाँ पे क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे. नेक्स्ट थर्ड सेमी क्लोज्ड अगर इसको लिखना हो इस तरीके से तो सेमी क्लोज्ड मतलब वही है, x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 x बिलोंग्स टू R. दिस सेट इज क्लोज फ्रॉम राइट साइड तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोज फ्रॉम राइट है तो ये आपका सर्कल क्लोज्ड होगा, ये ओपन होगा और बीच में डार्क. और अगर ऐसा लिखा होगा क्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू R. तो यहाँ पर क्योंकि ओपन फ्रॉम राइट है और क्लोज फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट सर्कल को हम क्लोज करेंगे, इसको डार्क कर देंगे और राइट साइड पे जो सर्कल बनेगा पॉइंट बी पर वो क्या होगा, ओपन होगा. क्लियर, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स को. इंटरवल्स और नॉर्मल सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, जितने भी हमारे पास सेट्स होते हैं वो सभी इंटरवल्स नहीं होते हैं लेकिन सभी इंटरवल्स क्या होते हैं, सेट्स होते हैं. जैसे कि ये हमने सेट लिखा हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 तो ये कॉन्टिन्यूस सेट नहीं है, इसमें 1, 1 के बाद सीधा 2 आ गया, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं
ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस सेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका, इंटरवल नहीं फॉर्म करता है। या फिर ऐसे भी लिखा गया हो, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन 2 और x इज ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन इक्वल टू 5, तब भी ये आपका क्या है, इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 1 से लेके 2 तक के एलिमेंट्स को ले रहा है, फिर 2 को नहीं ले रहा है, और 2 से लेके 3 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी नहीं ले रहा है, फिर 3 के बाद के एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं अप टू 5। तो ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसमें 2 और 3 के बीच के एलिमेंट्स इसमें मिसिंग है, तो ये भी हमारा क्या है, इंटरवल फॉर्म नहीं करेगा। इंटरवल तभी होगा जब जहाँ से आपका सेट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बीच के सारे एलिमेंट्स आते हों, तभी उस सेट को हम इंटरवल बोल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरवल और सेट के बीच में। ऑल दी इंटरवल्स आर सेट्स, जितने भी इंटरवल्स हैं, ये जितने भी इंटरवल्स हमने कंसिडर किए सभी जो है क्या है, सेट्स हैं, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं और वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट्स हैं। लेकिन सभी सेट्स जैसे a इज इक्वल टू 1, 3, 1, 2, 3, इट इज़ अ सेट बट इट इज़ नॉट अ इंटरवल, क्योंकि इंटरवल होने के लिए इसे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस आपका नहीं है। ओके, थैंक यू।